हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब आगे का रास्ता अनिश्चितता के धुंध में डूबा हुआ लगता है, जब कल का बोझ कंधों पर भारी पड़ता है और आने वाले कल का उजाला धुंधला और दूर लगता है। ये क्षण दुर्लभ नहीं है, ये सार्वभौमिक हैं और हर किसी के जीवन में कभी न कभी आते हैं, अक्सर तब जब इनकी सबसे कम उम्मीद होती है। जीवन चुनौतियों, अवसरों, ऊंचाइयों और गिरावटों की एक निरंतर श्रृंखला है, एक यात्रा जो हमारे संकल्प, हमारे चरित्र और हमारी आत्मा की परीक्षा लेती है। इन निर्णायक क्षणों में हमें एक विकल्प दिया जाता है, संदेह, भय और निराशा की छाया में समर्पण करने का या फिर खड़े होने का, अपने भीतर की आग को जलाने का और साहस, आशा और अधिक दृढ़ता से प्रकाशित एक रास्ता बनाने का। यह विकल्प, यह विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ अकेला कार्य मानव धैर्य का सार है और वह नींव है जिस पर सबसे महान कहानियां बनी है। महानता का मार्ग शायद ही कभी आसान होता है, यह प्रतिकूलता की आग में गढ़ा जाता है, यह चुनाव की शक्ति से, दृढ़ता की अडिग भावना से, आत्मविश्वास की कला से और असफलताओं को वापसी में बदलने की क्षमता से आकार लेता है। यह साहित्य उन अनगिनत पहलुओं का अन्वेषण करता है जो हमें ऊपर उठने, उद्देश्य के साथ जीने और अपनी खुद की जीवन कहानी का नायक बनने के अर्थ को प्रकट करते हैं। एक, चुनाव की शक्ति। हर दिन हमें सबसे महत्वपूर्ण उपहार दिया जाता है, चुनाव। चुनाव की शक्ति वह नींव है जिस पर सभी महान जीवन निर्मित होते हैं। यह हमारे दैनिक चुनावों के महत्व को कम करके आंकना आसान है, लेकिन ये वे छोटे कदम हैं जो एक बड़ी बदलाव की ओर ले जाते हैं। आपके पास साहस को भय पर, कार्य को निष्क्रियता पर और विकास को ठहराव पर चुनने की क्षमता है। यह मायने नहीं रखता कि आपने कहां से शुरुआत की या रास्ते में कितनी बार ठोकर खाई, मायने यह रखता है कि आप इस क्षण में क्या करने का निर्णय लेते हैं। जब रास्ता दुर्गम लगे और पहाड़ अजेय, याद रखें, महानता आराम में नहीं बल्कि प्रतिकूलता की परीक्षा में जन्म लेती है। असफलता के सामने कोई या तो उस सुरक्षा में लौट सकता है जो ज्ञात है, या एक गहरे विश्वास से प्रेरित होकर अज्ञात में कदम रख सकता है कि दूसरी तरफ कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह उसका एक हिस्सा है। प्रत्येक असफलता एक सबक है, एक कदम है जो आपको उस व्यक्ति के और करीब ले जाता है जिसे आप बनने के लिए हैं। यह गिरना नहीं है जो आपको परिभाषित करता है, बल्कि फिर से उठने की ताकत, आगे बढ़ते रहने की जिद, जब आपके शरीर और आत्मा का हर हिस्सा रुकने के लिए चिल्लाता है। जब आपको यह एहसास होता है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह आपको आपके लक्ष्यों के करीब ला सकता है, तो आप समझने लगते हैं कि आपके हाथों में कितनी शक्ति है। दो, आत्मविश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति। आत्मविश्वास सभी उपलब्धियों की नींव है। इसके बिना सबसे प्रतिभाशाली और सक्षम व्यक्ति भी आत्मसंदेह से जकड़े रहते हैं। केवल एक बेहतर भविष्य का सपना देखना ही काफी नहीं है, आपको अपने अस्तित्व के हर तंतु के साथ विश्वास करना होगा कि आप इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं। दुनिया आपको बता सकती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप बहुत छोटे, बहुत कमजोर या बहुत तुच्छ हैं, लेकिन वास्तव में केवल एक ही आवाज मायने रखती है, वह जो आपके अंदर से आती है, जो फुसफुसाती है, तुम कर सकते हो, या आंतरिक आवाज जब पोषित की जाती है तो एक गर्जना में बदल जाती है जो महत्वाकांक्षा, रचनात्मकता और अधिक प्रयास को ईंधन देती है। स्वयं में विश्वास करना उस दुनिया के खिलाफ विद्रोह का एक कार्य है जो अक्सर सीमाएं थोपने का प्रयास करती है। यह आपकी अनूठी क्षमताओं, प्रतिभाओं और क्षमता को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत करने के बारे में है, भले ही परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। याद रखें, इतिहास में हर महान उपलब्धि किसी के मन में एक सपने के रूप में शुरू हुई जिसने इसे वास्तविकता में बदलने की हिम्मत की। आपके भीतर खुद पर विश्वास करना सबसे शक्तिशाली बल है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे आपको अपने उच्चतम लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करने दें। तीन, असफलताओं को सफलता में बदलना। जीवन अनिवार्य रूप से आपके रास्ते में चुनौतियां और असफलताएं लाएगा, लेकिन आप इन असफलताओं का कैसे जवाब देते हैं यह आपकी अंतिम सफलता को निर्धारित करेगा। असफलता को अंतिम गंतव्य के रूप में देखने के बजाय इसे सफलता के मार्ग पर एक कदम के रूप में देखें। प्रत्येक असफलता के भीतर वापसी के बीज होते हैं, सीखने, बढ़ने और सुधारने का एक अवसर। यह असफलता से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उपयोग और भी अधिक शक्ति और बुद्धि के साथ आगे बढ़ने के लिए है।
जब आप गिरते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, नीचे रहना या और अधिक मजबूती से उठना। यह उठने के इन क्षणों में ही सच्ची वृद्धि होती है। अपनी असफलताओं को गले लगाओ, क्योंकि वे अंत नहीं है बल्कि आपकी यात्रा में केवल एक अध्याय है। उन्हें अपने संकल्प को बढ़ाने दो, अपने ध्यान को तेज करो और अपने जुनून को प्रज्वलित करो। याद रखें, महानतम कहानियां वे नहीं हैं जिनमें कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि वे हैं जिनमें नायक बार बार उठता है, बाधाओं को पराजित करता है और विजयी होता है। 4. अपना हीरो बनना। अब तक बताई गई सबसे महान कहानियां उन नायकों की नहीं हैं जो महान पैदा हुए थे, बल्कि उन साधारण लोगों की हैं जिन्होंने अपने हालात से ऊपर उठने और असाधारण बनने का फैसला किया। आप अपनी कहानी के नायक हैं, अपनी नियति के लेखक। अपनी कहानी को साहस, प्यार और अपने सपनों की शक्ति में अधिक विश्वास के साथ लिखें। किसी और के आने और आपको बचाने की प्रतीक्षा न करें, आप वही हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जो आपके दिल को आग लगाता है उसकी खोज में निडर रहें। अपने सपनों का पीछा ऐसे करें जैसे कि आपकी जिंदगी उस पर निर्भर हो, क्योंकि ऐसा ही है। आपके सपने वही हैं जो आप हैं, वे आपके दिल की पुकार हैं, जो आप हासिल कर सकते हैं उसकी दृष्टि है। उनकी रक्षा करो, उनका पोषण करो और हर पल उनका समर्थन करो। जब संदेह उत्पन्न होता है तो याद रखें कि आपने क्यों शुरू किया, याद रखें कि आप कौन हैं और याद रखें कि इस दुनिया में आपके जैसा कोई और नहीं है। 5. अडिग आत्मा। हर मानव हृदय के अंदर एक योद्धा की अडिग आत्मा धड़कती है। यह आत्मा आत्मसमर्पण को नहीं जानती। यह समझती है कि दर्द अस्थाई है, लेकिन गर्व और पछतावा शाश्वत हैं। जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो केवल सहन करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको संघर्ष को गले लगाना सीखना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई आपको आकार दे रही है, आपको एक मजबूत, समझदार और अधिक लचीला संस्करण बना रही है। जैसे आग में गड़ी हुई स्टील को आपको कुछ महान के लिए तैयार किया जा रहा है। आज जो भी चुनौतियां आप सामना कर रहे हैं, वे कल की जीत के प्रशिक्षण के मैदान हैं। ऐसे दिन आएंगे जब दुनिया भारी लगेगी और आप अपनी लड़ाई में अकेले महसूस करेंगे। उन क्षणों में खुद को याद दिलाएं कि सबसे भयंकर तूफान सबसे सुंदर इंद्रधनुष पैदा करते हैं। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और कोई और इसे आपके लिए नहीं चला सकता। लेकिन आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक शांत शक्ति है, साहस, दृढ़ता और संकल्प का एक जलाशय जिसे छुआ जाने की प्रतीक्षा है। उस कुएं में गहराई से पहुंचें और आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त करें, क्योंकि हर धड़कन में आशा की एक फुसफुसाहट है, उठने का एक आह्वान है, जीने का एक निमंत्रण है। आपके भीतर की आत्मा अटूट है, यह वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है, भले ही आपके हर हिस्से को पीछे हटना चाहिए। 6. धैर्य की कला। धैर्यवान होना अपने सपनों के साथ मजबूती से बने रहना है, भले ही वे दूर और अप्राप्य लगे। यह हर सुबह इस विश्वास के साथ जागना है कि आज वह दिन हो सकता है जब सब कुछ बदल जाए। आप नहीं जानते कि कब सफलता आएगी या कब ज्वार आपके पक्ष में आएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप हार मान लेते हैं तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि क्या हो सकता था। बस दिखाई देते रहें, मेहनत करते रहें, खुद पर विश्वास करते रहें, भले ही कोई और न करे। क्योंकि हर पल जो आप दृढ़ता से बिताते हैं, आप उस जीवन के करीब आ जाते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। सफलता अचानक चमक की एक झलक नहीं है, यह हर दिन लिए गए छोटे निरंतर कार्यों का परिणाम है। यह अनुशासन को विकर्षण पर, ध्यान को विखंडन पर और जुनून को निष्क्रियता पर चुनने की शांत जीत है। यह इस एहसास में निहित है कि हर पल, हर चुनाव और हर कदम मायने रखता है। महानता के बीज धैर्य की मिट्टी में बोए जाते हैं। उन्हें पसीने से सींचे, धैर्य से पोषण दें और देखें कि वे कैसे असाधारण में खिलते हैं। धैर्य आपके सपनों और हकीकत के बीच का पुल है जो एक एक कदम से, एक एक ईंट से बनता है। 7. आपकी विरासत। अंत में यह वह संपत्ति नहीं है जो आप प्राप्त करते हैं, या वह सम्मान नहीं है जो आप अर्जित करते हैं जो आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। यह वे जीवन हैं जिन्हें आप छूते हैं, वे दिल हैं जिन्हें आप प्रेरित करते हैं और वह अंतर है जो आप बनाते हैं।
आपके भीतर दुनिया को बदलने की शक्ति है। एक समय में एक दयालुता, एक साहस का इशारा, एक प्यार का क्षण। आपके कार्यों का प्रभाव आपके जीवन काल से बहुत आगे तक फैला सकता है, उन लोगों के जीवन को आकार दे सकता है जो अभी तक आए नहीं है। अपने आप से पूछें, आप किस तरह की विरासत छोड़ना चाहते हैं? लोग आपको किसके लिए याद रखेंगे? क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को याद करेंगे जिसने सुरक्षित खेला, जिसने आराम की सीमाओं के भीतर रहा, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने सपने देखने की हिम्मत की, जो पूरी तरह और निडरता से जिया, जिसने दुनिया को दिखाया कि जब कोई खुद पर विश्वास करता है तो क्या संभव है? चुनाव आपका है। आपकी विरासत हर दिन बनती है, हर चुनाव, हर कार्य और हर शब्द के साथ। इसे ऐसा बनाएं जो प्रेरित करे और कालातीत रहे। अंतरात्मा की आग। अपनी असीमित क्षमता को अपनाना। सबसे गहरे सत्य अक्सर सबसे सरल होते हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, जितना आप मानते हैं उससे अधिक बहादुर हैं, और जितना आप कभी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक सक्षम हैं। आपके भीतर एक आग जलती है, एक आग जिसे संदेह, भय या असफलता की हवाएं बुझा नहीं सकती। उस आग को प्रज्वलित करें। इसे हर असफलता, हर चुनौती और हर विजय के साथ पोषित करें। इसे सबसे अंधेरी रातों में आपका मार्गदर्शन करने दें और आपको आपके महानतम स्वरूप की सुबह की ओर ले जाए। इस जीवन में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक निश्चितता है, आपके भीतर उठने, जीतने और महानता प्राप्त करने की शक्ति है। इसके लिए केवल यह निर्णय चाहिए कि कभी भी हार न माने। तो खड़े हो जाएं, अपनी यात्रा को अपनाएं और अपने भीतर की आग को पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल होने दें। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, इसे ऐसी बनाएं जो प्रेरित करे, ऊपर उठाए और सदियों तक बनी रहे।